आपको पता है 15 अगस्त के दिन क्या होता है? झंडा लहराया जाता है। आज के दिन को क्या कहते हैं? स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली थी? आजादी। 15 अगस्त 1947 और आज हमारा 73वां स्वतंत्रता दिवस है। कौन सा? 73। इंडिपेंडेंस डे। आपको पता है ये इंडिपेंडेंस डे क्यों बनाया जाता है? हमें आजादी किससे मिली थी पता है आप लोगों को? आजादी किससे मिली थी? अंग्रेजों से। आजादी किससे मिली थी? अंग्रेजों से। ठीक है, तो हमें पढ़ाया जाता है कि हमें आजादी अंग्रेजों से मिली थी, मगर ये एक चीज बहुत जानने की जरूरत है कि हमें आजादी जो मिली थी अपनी गुलामी की सोच से मिली थी। हम तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक हमारी सोच गुलाम है। आज भी हम कहने को तो आजाद हो गए हैं, लेकिन अपनी आजादी को पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग अपनी सोच से गुलाम हैं। हमें अपनी सोच से आजादी पानी होगी, हमें आगे बढ़ना होगा। किसके लिए? पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए। ठीक है, आप सभी बच्चों को पढ़ना अच्छा लगता है? ठीक है, खेलने कूदने के साथ हमें पढ़ाई भी आगे करनी है। ठीक है, और हमें ध्यान रखना है कि हमें ये सोच नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। जो करना है वो किसे करना है? हमें ही करना है। हम करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस देश के लिए हमें सबसे पहले किसके लिए काम करना है? खुद के लिए काम करना है, खुद के लिए काम करना है, खुद की पढ़ाई का काम करना है। ठीक है, तभी हमारा देश पूरी तरह से क्या हो पाएगा? आजाद हो पाएगा। ठीक है, हम अंग्रेजों से आजाद कब हो पाए थे? अंग्रेजों ने हमारे ऊपर बहुत साल राज किया था, अंग्रेजों ने हमारे पास बहुत साल राज किया था, और वो तब तक राज कर पाए थे जब तक हमारी सोच गुलाम थी। जब हमने सोच लिया कि नहीं, अब हमें आजादी चाहिए, जब तक हम चाहते थे तब तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, मगर जब हमने सोच लिया कि नहीं, अब हमें आजादी चाहिए, अब हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहेंगे, तब हम उनसे क्या हो गए? आजाद हो गए। ठीक है, आज भी कई लोग हैं जो हमें क्या करना चाहते हैं? अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। वो ऐसा दिखाते हैं कि वो बड़े हैं और हम छोटे हैं, मगर हमें छोटी सोच से आजाद होना है। हम सभी बराबर हैं, हम सभी हिंदुस्तानी हैं। हम सभी क्या है? हिंदुस्तानी है। हम सब बराबर हैं, और इसी सोच के साथ हमें ध्यान रखना है कि ये स्वतंत्रता दिवस इसलिए हम लोग मनाते हैं ताकि हम याद कर सके कि इस स्वतंत्रता को पाने के लिए हमारे देश में कई लोगों ने कुर्बानियां दी थी, जान की कुर्बानी दी, माल की कुर्बानी दी, तब जाके ये आज़ादी आई। इसी वजह से हम इस आज़ादी को मनाते हैं ताकि हम उनकी कुर्बानियों को याद कर सके। ठीक है, तो एक छोटा सा शेर आप सबके लिए देना चाहेंगे कि ये उन्हीं शहीदों के सम्मान में ये आज़ादी को मिला को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। शहीदों की मज़ारों पे हर बरस लगेंगे मेले, शहीदों की मज़ारों पे हर बरस लगेंगे मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मैं महबूब भाई से गुजारिश करूंगा कि वो प्रोफेसर साहब का स्वागत करें। महबूब भाई के बाद मैं क्या बात है? सुफियान भाई से गुजारिश करूंगा कि लड्डन भाई का स्वागत करें। मैं उसके बाद शहनवाज भाई से गुजारिश करूंगा, ये हमारे फैजान भाई जो यहाँ के एकेडमी के पीओसी हैं, जो अपनी पूरी टीम एक्सेस कॉलेज की लेकर के आ जाते हैं। एक्सेस कॉलेज में प्रोफेसर साहब भी हैं और उनके स्टूडेंट भी हैं। ये एक्सेस कॉलेज वाले बहुत मेहनत करते हैं ये बच्चे, और मैं चाहूँगा शहनवाज भाई को कि फैजान भाई का स्वागत करें, जो अपनी पूरी कॉलेज की टीम के साथ हर संडे फैजान भाई आते हैं और अपने स्वागत करें। अरे अयास काजी, बात भी